हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जलेबी की रेसिपी। जलेबी को बनाने के बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक बाउल में एक कटोरी मैदा डालेंगे और उसके बाद इनो या आपके पास कोई भी बेकिंग पाउडर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनो डालूंगी। अब हम इनो को और अपने मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी जलेबी का बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे पानी डालूंगी और हाथ की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहे तो स्पून की हेल्प से भी इस बैटर को रेडी कर सकते हैं, बट अगर आप हाथ की हेल्प से इस बैटर को बनाएंगे तो इसमें कोई भी लंग्स नहीं बनेंगे। ये देखिए, आपको इसका ऐसा स्मूथ बैटर बनाना है और इसको हम 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट करने के लिए हमने छोड़ रखा है, तब तक हम अपनी चाशनी बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में डालूंगी एक कटोरी चीनी और एक कप पानी और 2 से 3 इलायची। हम अपनी चाशनी को तब तक बनाएंगे जब तक कि थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। ये देखिए, मेरी चाशनी बनकर रेडी हो गई है। आप ऐसे हाथ की हेल्प से इसको चेक कर लें एक बार। अब हम कढ़ाई में तेल या घी डालेंगे और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। हमारा जलेबी का बैटर एकदम रेडी हो गया है। अब हम अपने बैटर को किसी पाइपिंग बैग या किसी भी बॉटल में हम ट्रांसफर कर लेंगे जलेबी बनाने के लिए। मैंने ऐसी एक बॉटल ली है जिसमें मैंने ऊपर से छोटा सा छेद कर लिया है। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, पाइपिंग बैग भी। तो मैं इस पाइपिंग बैग में सबसे पहले बैटर डाल लूँगी, फिर बॉटल में। सबसे पहले मैं बॉटल से जलेबी बनाना बताऊंगी, तो इसको ऐसे पकड़िए और राउंड राउंड करते रहिए। ये देखिए, हमारी जलेबी बिल्कुल बन गई है। हल्के से ब्राउन होने पर हम इसको पलट देंगे और फिर जब दोनों साइड से बन जाए तो हम इसको चाशनी में डाल देंगे। और इसे एक प्लेट पर निकाल लें। ये देखिए, मेरे यहाँ पे जलेबी बन के रेडी हो गई है। अब हम सेम प्रोसेस से पाइपिंग बैग से भी बनाएंगे। इनको भी अच्छे से चाशनी में डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको मेरी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।